मोहसिन रजा साहब जो हैं आए दिन रोज इस तरह की ऊँची बातें बयान करते रहते हैं। जहाँ तक कोट पैंट का लागू करना मदारिस इस्लामिया में है, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा, क्योंकि लिबास जो है कुर्ता पजामा इस्लामी तशख्स है, इस्लाम की एक पहचान है। रहा सवाल उनका ये कहना, उनको दीन से कोई वाकफियत नहीं है, उन्होंने दीन को सही करके पढ़ा है, न वो खुद दीनदार हैं। और हमारे मुल्क में जितने भी उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका कोई भी लिबास इस तरह का नहीं था, कोट पैंट वगैरह का। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सलकतुल्लामा फजल खैर आबादी हैं या दीगर उलमा कराम हैं, उन तमाम के तमाम ने कुर्ता पजामा ही पहना है और ये इस्लाम का तशख्स है। लिहाजा मोहसिन रजा रकवी साहब को चाहिए कि वो पहले दीन को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, इस्लामी तालीमात की रोशनी में बयान दिया करें। वो अपने साथ इस्लामी लेवल लगाए हूँ, उनका नाम चूँकि मोहसिन रजा है, पता चलता है कि एक मुसलमान ही बोल रहा है लेकिन उनके पीछे कोई और बोल रहा है। मदारिस इस्लामिया में पहले ही से यही लिबास है और यही लिबास रहेगा। हम किसी भी मंत्री की इस बात पर अमल नहीं करेंगे जो मजहब इस्लाम के उसूलों के खिलाफ चलता होगा। असल में ये मोहसिन रजा जो हैं, अव्वलन तो इनका जो ये बयान है ये पूरा सियासी बयान है, और जहाँ तक मदारिस इस्लामिया में ये ड्रेस को चेंज करने की बात करते हैं तो ये इस्लाम का शियार है, और ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब में भी आता है हमारे वतन अजीज़ की। अगर ड्रेस की चेंज करने की बात है तो मैं मोहसिन रजा से अपील करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री के ड्रेस को चेंज कराएं, उनका ड्रेस भी तो वही है जो मदारिस इस्लामिया का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रेस को चेंज कराएं, ये हमारे वतन अजीज़ की जो नूरानियत है उसको बिगाड़ कर पेश करने वाली बात है। असल में ये मदरसों के लिए बार बार तरह तरह की बात उठना कि अब ये किया जाए, वो किया जाए, अब ड्रेस के ऊपर, तो कुर्ता पजामा के एक ड्रेस नहीं है, ये भी ड्रेस है। तालीम का जो ताल्लुक है उसमें शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, इनको ये बयान देना चाहिए था, जो मोहसिन रजा साहब जो मंत्री हैं भाजपा के, इन्हें ये कहना चाहिए कि भाई जो शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अब ये जो है दखलंदाजी करते हैं कभी कुछ कभी कुछ, ये अच्छा नहीं है। इस्लाम में मदरसों में तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, और अगर इन्हें ये लगता है कि भाई तालीम कमज़ोर है तो उसके लिए ये अच्छे इंतज़ाम करें। और अभी तक हम ये देख रहे हैं जो मदरसों में आधुनिकरण के टीचर हैं, ढाई ढाई साल हो गए उन्हें केंद्र सरकार से अभी तनख्वाह ही नहीं मिली है, वो बेचारे उनके घरों में कितनी परेशानियाँ ये वो लोग जानते हैं। अब ये नए नए शोशे तो छोड़ते रहते हैं लोग, ये नहीं है कि जो मदरसों में हमने आधुनिकरण के टीचर दिए हैं कम से कम उनका मानदेय दिलवा देते, कम से कम उनका भला हो जाता। इस पर हमें कोई भी इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हमारा मजहबी जो लिबास है उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी मजहबी और दीनी तालीम के ताल्लुक से जो गुजारी जा रही है, समझे, उस पर ये एक ऐसे समझ लीजिए जैसे कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोट पैंट ये हमारा मजहबी कोई निशान नहीं है। और ये जो बयान आया है कि मदरसे के छात्र छात्राओं के कुर्ते पजामे की ड्रेस बदली जाएगी, इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इस्लामी लिबास है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा लिबास है। हम इसी लिबास में तालीम हासिल करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस देश का नाम रोशन करेंगे, इसी लिबास में हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और आईपीएस भी बनेंगे।